आई वॉन्ट टू एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो डिक्टेटरशिप है, पब्लिक मैंडेट को हर बार बिगाड़ने का जो एक क्रूकेड वे है, उसको एक्सपोज करना चाहती हूँ। अभी जैसे आपको पता है, एक बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री दोवा लामियो जी ने और उसके 150 सपोर्टर ने कैसे करके आईएनसी के जो कैंडिडेट हैं श्री कुमार वाई जी के जो पोलिंग एजेंट है हमारा, एक है तमेसारिया जी जो एक्स आंचल भी रह चुके हैं, दूसरा जो है आपका श्री डंगरो सारिया जी, उनके ऊपर कैसे हत्या रूपी अटैक किया गया, हमला किया गया, उनको मारा पीटा, ऑलमोस्ट दे आर ऑन टू डेथ बेड बिकॉज ऑफ द मॉब वायलेंस एग्जीक्यूटेड बाय द बीजेपी कैंडिडेट। वहाँ के वोटर्स को मार पीट के भगाया गया, उनके साथ मॉब वायलेंस किया गया, सामूहिक जो आतंक कहते हैं वो उनके साथ किया गया, अनफेयर मीन्स ऑफ जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको डिस्टोर्ट करके, उसको अनफेयर मीन्स को रिजोर्ट करके वोटर्स पब्लिक मैंडेट को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इसलिए मीडिया के थ्रू से हमारे पार्टी का डिमांड है कि वहाँ के जो भी अफसर्स हैं, क्योंकि वी बिलीव दैट दे आर इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि प्रायर टू पोलिंग डे हमारे वहाँ की जो कैंडिडेट है कुमार वाई जी ने, वो वहाँ के डीसी एसपी को अलर्ट कर दिया था, सी दीज आर द चांसेस ऑफ इंसिडेंट विच विल अकर, ऐसे इलीगल तरीके का इस तरह का वायलेंस होने जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा और अलर्ट रहिए। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कोई प्रबंध ही नहीं किया। वहाँ पर बुरी तरह का मॉब वायलेंस हुआ, बुरी तरह का मार पिटाई हुआ, AK-47 जैसे आर्म्स वहाँ मिले, एयर फायरिंग हुआ, लाठियाँ बरसाए गए, लोकल डाव जो हमारा होता है ना, कॉमनली यूज होता है, उनको लोगों को पब्लिक को डराने में यूज़ किया गया। तो इसलिए हमारे पार्टी का डिमांड है कि जैसा इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट बूट कैप्चरिंग में इन्वॉल्व होगा उसको 6 साल तक डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, एंड वी डिमांड द सेम कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके सपोर्टर्स करीबन 150 लोग थे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और जो ऑफिसर्स वहाँ थे जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गया, ऑब्जर्वर्स हो गया, हाँ RO हो गया, पुलिस पर्सनल हो गया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए। अदरवाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी विल रिजोर्ट टू डेमोक्रेटिक रिवॉल्ट, वी विल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस वेरी सून। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारे कैंडिडेट श्री कुमार वाई जी ने कंप्लेन लेटर लिखा है जनरल ऑब्जर्वर सिप्पा इज कमिंग को, वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्सेस, अगर नहीं हुआ वी विल रिजोर्ट टू डेमोक्रेटिक रिवॉल्ट। दिस इज द फाइनल डिसीजन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हैज मेट, एंड वी डिमांड कि जो 40 पोलिंग स्टेशन ऑफ सारियो सारा है जिस पे ये बूट कैप्चरिंग किया गया था बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा और उसके सपोर्टर द्वारा, उस पर उस पोलिंग स्टेशन को कैंसिल किया जाए, सस्पेंड किया जाए आगे तक, उधर कोई काउंटिंग नहीं होगा उस EVM मशीन का। ये एक जो है डिसिप्लिनरी एक्शन बोलिए या फिर स्ट्रिंजेंट एक्शन बोलिए, इसका एग्जाम्पल देते हुए वहाँ का जो है पोलिंग स्टेशन का जो पोलिंग प्रोसेस था उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारी डिमांड है, ताकि अरुणाचल के इतिहास में ये पता चले कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा इलीगल काम करता है तो उसका नतीजा क्या होता है, एंड दिस एग्जाम्पल हैज़ टू सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। अदरवाइज जैसा मैंने कहा है, वी विल रिजॉर्ट टू डेमोक्रेटिक वायलेंस, क्योंकि एक ही जगह नहीं हुआ है, सिला विलेज सपा कंस्टिट्यूंसी में वहाँ से कोई कैंडिडेट है उनके वहाँ भी EVM तोड़ा गया, न्यापिन में भी, तालिया में भी बूथ कैप्चरिंग हुआ, ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, जहाँ जहाँ अनअपोज्ड लीडर्स को इलेक्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा,
वहां वहां बूट कैप्चरिंग, ईवीएम तोड़ना, ईवीएम को मैनिपुलेट करना, ऐसे केसेस रिपोर्टेड है। 30-40% ईवीएम वेर माल फंक्शन, नॉन फंक्शन, जैसे ओपप सांगनो पोलिंग स्टेशन में एक बटन को दबाओ तो वहां वीवीपैट में दिखता है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो निकलता है, और इलेक्शन प्रोसेस को इतना डिले कर दिया जबकि 7 बजे से शुरू होना चाहिए था, दे हैव डिलेड फॉर 1.5 आवर्स, और 5 बजे ख़त्म होना चाहिए था, कोई कोई पोलिंग स्टेशन में 24 आवर्स तक चला, 24 आवर्स से भी ज़्यादा। आप देखिए कि कितना पब्लिक को हैरास किया गया। वाई ईवीएम का इंस्टॉल करना क्या है? क्विक रिस्पॉन्स करना, चीज़ों को इफ़िशेंट वे में ले जाना, लेकिन जैसे पहले पेपर में हम लोग वोटिंग करते थे वहाँ समय लगता था, ईवीएम तो एक मशीन है, वहाँ बटन दबाया, करेक्ट रिस्पॉन्स हुआ, कैलकुलेशन हुआ, ख़त्म। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस को डिले करना और 2 महीने तक का समय देना वोट काउंटिंग को, ये बात याद रखिए कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, भारतीय जनता पार्टी का कोई षड्यंत्र है। आप ये देखिए कि आगे ये भी चलिए कि हमारे जो एक बामिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सारिया पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहाँ मेजर जो सेटलमेंट है वो हमारे पूर्विक भाई बहनों का है। हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है आईएनसी का, कि हम लोग जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन में जो कम्युनिटी बहुत ही लेस रिप्रेजेंट करता है उनका, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है आईएनसी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, those people who are less represented in political arena or platform उसको दबाया जाए, उस सोच पे उन्होंने अपना जो है शैतानीपन दिखाया है, उस कम्युनिटी को इतना इतना टॉर्चर किया है। आप सभी ने देखा होगा मेरी कॉम का एक पिक्चर है कि इतना मत डराओ कि अगला इंसान डरना ही भूल जाए, वो आपके खिलाफ उठ के खड़ा होगा। तो ये देखिए, और आगे हमारा ये डिमांड है, ये भी डिमांड हमने रखा है कि उस पूरी कम्युनिटी को जस्टिस देना चाहिए, उनके अगेंस्ट जिन्होंने अत्याचार किया है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जितने 150 सपोर्टर है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन लोगों को। और आप ये देखिए कि 2 महीने तक आफ्टर वोटिंग 2 महीने तक आप ईवीएम मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, क्यों रखेंगे ये बताइए, किस लिए रखेंगे? ईवीएम का काम है हर चीज़ को एफिशिएंट वे में, क्विक रेस्पॉन्स वे में, हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन का, यू टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन, यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, व्हाट हैपेंड भारतीय जनता पार्टी को, व्हाई 2 मंथ्स टू बी डियर फॉर ईवीएम मशीन टू कैप्ट इन द स्ट्रॉन्ग रूम? इतना करप्शन, इतना माल फंक्शन, हमारा जो है ट्रस्ट उतर गया है इस सिस्टम से, इस प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई खरीदी हुई सरकार से। सो आईएनसी डिमांड कि उस स्ट्रॉन्ग रूम में जहां ईवीएम को 2 महीने तक रखा जाएगा, वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट। तो इसलिए हर पार्टी के लोगों का ताला होना चाहिए, वो ईवीएम मशीन जहां रखी जाएगी स्ट्रॉन्ग रूम के दरवाजे पे, चाहे वो आईएनसी हो, चाहे पीपीओ एनपीपी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी का ताला लगना चाहिए उस स्ट्रॉन्ग रूम पर, ताकि कोई वहाँ मैनिपुलेट नहीं कर सके पब्लिक मैंडेट को, या ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सके। 2 महीने तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना खर्चा नहीं उठा सकता, वहाँ अपना गार्ड नहीं कर सकता ईवीएम को, उसमें मैन पावर इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इन्वॉल्व है। इसलिए हम ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे, स्टेट का भी और हमारे इंडिया का भी, हम लोग एक लेटर जारी करेंगे, अपील करेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना अपना ताला लगाने दिया जाए स्ट्रॉन्ग रूम पर।